अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल बिकम फॉर स्टार्क डेवलपर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्पोर्ट्स की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करके वहाँ से अनेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल एशिया कप चल रहा है और हर जगह एशिया कप के चर्चे हों, देखे लोग कम टाइम में, देखे इसने अभी अभी वीडियो डाली और ये देखे न्यू है, देखे 57 मिनट्स का वीडियो डाली, उसके 5.7K व्यूज़ है। ऐसी वीडियोस आप भी बना सकते हैं। नीचे देखिए 2 वीक्स अगर उसके पास 67 और ये देखिए सारे स्पोर्ट्स की वीडियोस उस पर कितने ज़्यादा व्यूज़ है बिल्कुल कम टाइम में। देखिए ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। अपनी ऐसी वीडियो अपलोड कर कर यहाँ से अनेक कर सकते हैं। 10 मिनट्स अगो, 1 मंथ अगो करके 3.9 मिलियन है। तो ऐसी आप भी वीडियोज अपलोड करते हो और ऐसे आप भी अनेक कर सकते हैं। आप देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर चीज़ें देखेंगे बनाएंगे। आप भी इस पे वीडियो बनाएं और इंशाल्लाह आपके देखिएगा काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने वीडियो बनानी कैसे है, वीडियो का डाटा कहाँ से लेना है और वीडियो एडिट कैसे करना है। तो प्लीज़ वीडियो लाइव में देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपने लिख लेना है स्पोर्ट्स न्यूज़ उर्दू, ठीक है। आप उर्दू में कोई भी स्पोर्ट्स लेंगे क्योंकि आपने उर्दू में वीडियो बनानी है। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया से देख रहे हैं वीडियो, तो आपने यहाँ पे हिंदी लिख लेना है गूगल पे आकर, ठीक है। आपको हिंदी में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको हिंदी में नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेस न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, बीबीसी न्यूज़ है, डेली जंग है। उसमें से आप किसी पर भी क्लिक करके और आपको सारे न्यूज़ देखने यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए शहीन शाह अफरीदी और इंडिया का, ये देखिए एशिया कप में आप भी इस पर बना सकते हैं। नीचे देखिए वर्ल्ड कप, ये देखिए पाकिस्तान और इंडिया पे आप भी देखिए, यहाँ ये सीरीज आप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस पर जो ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है, ये देखिए 3 पिक्चर्स हमारे बॉलर्स हैं सॉरी चल रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कर देते हैं बंद करें। तो ये देखिए ये एक न्यूज़ है एशिया कप मौजूदा बॉलिंग लाइन को देख कर वसीम अकबर की याद आ जाती है। तो ये देखिए ये चीज़ है, ये आपने क्या करना है, आपने इस पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको बोल आपने करना है कि आपने इसका वॉइस ओवर करना है। और दूसरी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वीडियो बनानी कैसे है, ठीक है। ये तो हमारा डाटा हो गया, ठीक है, आपने वेबसाइट से ले लिया। इसके अलावा अपने वीडियो कैसे बनानी, उसके लिए आपने गूगल पे सर्च करना है अर्निंग डिवाइस। जब आप अर्निंग डिवाइस सर्च कर लेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आपके पास आएगी, अर्निंग डिवाइस योर ऑनलाइन एडवाइजर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये वेबसाइट आपको क्या क्या देगी। काफ़ी कम टाइम में आप इजिली यहाँ से चीज़ें बना सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा होम अर्निंग वेबसाइट्स, आप यहाँ से अर्निंग वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। सर्वे करके फ्रीलांसिंग, अगर फाइवर अपवर्क पे काम करते हैं तो यहाँ से भी आप जॉब लेके ऑर्डर कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग ऐप्स हैं, जितने भी ज़्यादा अर्निंग ऐप्स हैं पाकिस्तान में कहीं भी, वो सारे यहाँ पे बताएंगे। यूट्यूब स्किल्स है, टूल्स है और ये ब्लॉगिंग है। तो आपने यहाँ पे यूट्यूब स्किल पे क्लिक कर देना, यहाँ से कर देना है क्लोज। तो अब देखिए नीचे देखेंगे हमें क्या क्या दे देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमें दे रहा है ईमेल टेम्पलेट फॉर फेसबुक एड सर्विस टू एनी क्लाइंट, ये देखिए ऐसे करें। और हमें यहाँ पे फ्लैग कर लेना है ग्रीन स्क्रीन न्यूज़ बैकग्राउंड, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना और ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन में हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिस पर हम वीडियो एडिट करेंगे। मैं आपको सारा बताऊँगी कि आपने वीडियो एडिट कैसे करनी है। एक टेम्पलेट हमारे पास ये आ गया है, इसके अलावा ये दूसरा टेम्पलेट देख लेते हैं। ये हमें अच्छा लगेगा, जो सा आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है आपने उसके हिसाब से उसको डाउनलोड कर लेना। तो देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स, आप इनको ऑन कर चला के भी दे सकते हैं। ये देखिए ये एक टेम्पलेट है बिल्कुल बना बनाया, आपने इसके ऊपर सिर्फ जो ग्रीन जो स्क्रीन नजर आ रही है आपने इसके ऊपर अपनी वीडियो लगानी है। वीडियो कैसे लगानी है वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेम्पलेट चूज करवा देती हूँ, आपने जो मर्जी चाहे वो चूज कर सकते हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज नीचे खुद ही आ रहा है, आपने सिर्फ ऊपर वीडियो करनी है, ठीक है। डॉलर आपने के आप ये देखिए ऐसे पट्टी चढ़ रही है, आपने ये भी कर लेनी है आपकी मर्जी, आपको जोर सा अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी है, ये देखिए आप वीडियो यहाँ लगा दें और ये सब तरीका आप इसको कर सकते हैं, पास ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके तो ये हमारी जो वीडियो थी ये मेरे पास अभी डाउनलोड हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हमारी जो न्यूज थी जिसके हमने वीडियो बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ कि आप जो आप अगर चाहते हैं कि आप जो स्पोर्ट्स की वीडियो डायरेक्ट आप डाल के अपलोड कर सकते हैं, वो आप इतने आसान नहीं, आपको उस पर एडिटिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्प्लिट करना पड़ेगा, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपना कंटेंट खुद बनाएं ताकि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो और आप उसे अर्निंग भी कर सकें। तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप भी कर सकते हैं, बस अब करना ये है कि आपको ये वीडियो वॉच से देखें, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताने लगी कि ये देखिए ये 3 बॉलर्स हैं जिस पर हमारी आज की वीडियो। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने गूगल पे आ जाना और सब यहाँ पे सर्च कर लेना है शाहीन अफरीदी सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इसके मुताबिक इमेजेस में क्लिक कर देना है और हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगे। आपने इसको राइट क्लिक करके सेव एज इमेजेस कर देना, ठीक है। जितना आप चाहें उतना इसको कर सकते हैं, ये देखिए सेव
और भी अगर आप रन जितनी आपने मतलब तीन तीन अगर हम चाहते हैं सेव इवन इसको भी कर लेते हैं, तीनों बॉलर्स के हम तीन तीन पिक्स है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। सेव एज इमेजेस, तो ये हमारी थर्ड पिक थी, ठीक है, ये हमारे ले ली। सेकेंड जो हमारा बॉलर था वो था नसीम शाह, तो अब हम उसकी ले लेते हैं नसीम शाह, ठीक है। नसीम शाह सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास नसीम शाह के ज़्यादा ज़्यादा पिक्स आ जाएंगे, तो हमने इसको भी राइट क्लिक करके सेव एज इमेजेस कर लेना, ठीक है। ये देखिए इसको भी डाउनलोड कर लिया है, और ये देखिए ये वाली पिक है, इसको भी हम सेव इमेजेस कर लेंगे। इसी तरीके से हमने तीनों की ऐसे कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों बॉलर्स के हो चुके। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा लास्ट बॉलर है वो है हारिस रोल्स, ठीक है। हारिस रॉफ को देख लेते हैं, ये देखिए हारिस रॉफ हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसकी इमेज जैसे कि मैंने बताया कि इसकी भी तीन कर लेंगे, मुझे तीनों बॉलर्स की डाउनलोड कर लिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट पे हमें ये करना है कि हमने ये जो वॉइस ओवर की देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जितना भी है ये सारा उर्दू में जो लिखा है ऐड को छोड़ के, ये देखिए ये आपने सारा इसको कॉपी कहीं कर लें डॉक्यूमेंट पे, या यहीं से आप इसको देख के इसका अपने वॉइस ओवर कर लेना है, इसकी अपनी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने मोबाइल पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगी एडोबी इनहांसर साउंड, इसमें आप अपनी साउंड को क्लियर भी कर सकते हैं, अपनी सारी नॉइस जो होगी पीछे की वो रिमूव हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट जब आपने करना है कि आपने इन सबको मिला के इसकी एडिटिंग करनी है, बल्कि आपको एक और चीज़ बता दूँ, सबसे पहले आपने जो पीछे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है न्यूज़ का वो आपने ले लेना, वो आप कहाँ से लेंगे वो आपको बता देते हैं कि वो आप लेंगे यूट्यूब से, ताकि आपको कोई कॉपीराइट का इशू भी ना आए, तो वो आपको बता देते हैं वो आपने कैसे लेना। आपने जन अपने चैनल के YouTube स्टूडियो में, YouTube स्टूडियो पर यहाँ पर आपको राइट पे ऑप्शन आएगा ऑडियो लाइब्रेरी, आपने इसके ऊपर आके क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है न्यूज़, तो ये देखें न्यूज़ में सर्च कर लेती हूँ, एंटर कर लेती हूँ, तो हमारे पास न्यूज़ के रिलेटेड जितने ज़्यादा ऑप्शन है वो सारे कुछ आ जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप इससे जो मर्ज़ी ले लें। मैं न्यूज़ थीम कर लेती हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ये देखें यहाँ पर डाउनलोड कर, हमें अब इसको देना पड़ेगा तो हमें तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। हम कुछ और देख लेते हैं जिसके ऊपर हमें उनको वो बिना देना पड़ेगा रेवेन्यू, तो न्यू थीम ये देख लेते हैं, इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, बल्कि हमें ये देना ही पड़ेगा, तो फिर इसके लिए हम इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और इसका जो हमारा कंटेंट था उसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। आपको जो कह रहे हैं कॉपी करें, आपने कॉपी करना है और आपने उसको रेफरेंस भी देना है, ठीक है, क्रेडिट देना है, ओके, ताकि कोई कॉपीराइट इशू भी ना आए। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होगी जो हमने डाटा जमा करना था, आपने वॉइस ओवर भी कर लेना है। नेक्स्ट आपने आ जाना है कोई भी वीडियो एडिटिंग ऐप पे, आप मैं अभी कैपकट पे बताने लगी हूँ, कोई भी आपको कैप वीडियो एडिटिंग के लिए कैप जो सॉरी सॉफ्टवेयर आता है आपने उसके ऊपर वीडियो एडिट कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको सिंपली बताते भी जाऊँगी कि आपने ये सब कुछ कैसे करना है। कैपकट पे आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप मोबाइल पर भी इजिली यूज़ कर सकते हैं। आपने इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो सारा डाटा है जो कि आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पे आके आपने इम्पोर्ट कर देना है, कि मेरी जो तीनों मैंने चीज इम्पोर्ट कर ली है। अब हमने नेक्स्ट क्या इम्पोर्ट करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो न्यूज़ का थीम था वो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना, ताकि हम अपने वॉइस ओवर के पीछे लगा सकें, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ हमने इम्पोर्ट करने वो थी हमारा जो हमने डाउनलोड किया था थीम टेम्पलेट, जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये देखिए वो ये टेम्पलेट था, इसको हम कर लेते हैं ओपन, ये भी हमारे पास आ चुका है। मैंने इसको यहाँ पे वो एंड यहाँ पे नीचे आके ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पास आ चुका है। अब हमने जो ग्रीन स्क्रीन है इसके ऊपर हमने अपनी वीडियो लगानी है, रील्स अपनी वीडियो लगाने के लिए सबसे पहले जो हमें ये ग्रीन स्क्रीन है हमने इसको ख़त्म करना है। वो हम कैसे खत्म करेंगे, अगर कैपकट पे है तो आप मैं बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए आपका बेसिक ऑप्शन है, लेकिन आपने सेकंड देखिए कट आउट का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपके पास क्रोम की का ऑप्शन है, क्रोमा की का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, आपने क्लिक कर देना। नीचे आपके पास कलर पिकर का ऑप्शन है तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ से आपने कलर पिक कर लेना है, ये वाला, ठीक है, ये देखिए हमने कर लिया। अब आपने इसकी स्ट्रेंथ है वो जितनी चाहे आप उसको कम कर देते हैं, ये देखिए मैंने इसको पूरा कम करके ब्लैक कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर कुछ भी चाहे वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो ये हमारे इसके ऊपर आ जाएगा, ओके हो गया, एंड पे कर देते हैं, इसको आप एडिट कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर पूरा आ जाए, और हमने इसको उसके ऊपर कर देना है ताकि वो उसके अंदर आए, ठीक है, बिल्कुल जैसी हमें चाहिए थी वैसी आ चुकी है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि जो हमारी स्क्रीन है वो बिल्कुल सही नजर आए, देखिए बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। तो हम चला के देखते हैं, देखिए हमारे पास कुछ ऐसे स्क्रीन आएगी, नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे ही चल रहा है और ऊपर हमारा देखिए जो हमारी पिक थी वो भी आ चुकी है,
इसको हमने थोड़ा छोटा कर देना है जितना हम चाहते हैं, जितने सेकंड पे चाहते हैं 3-4 सेकंड उतने सेकंड पे कर देना। उसके अलावा हमने पहले अब हमने दूसरी पिक ले लेनी, दूसरी हम पिक ले लेंगे या पेन हर सॉफ्ट की ले लेते हैं और इसको भी ऊपर फिट कर देंगे। ठीक है, मुझे जितना चाहिए था मैंने उतने उसने उतने एडिट कर दिया, सब मैंने पिक से पीछे लगाया, उसको उनको ऊपर कर दिया। तो ये देखिए ये सारे जितने मुझे चाहिए थे उतने एडिट कर लिए। अब हमने मेन चीज़ क्या करनी है, जो हमारे म्यूजिक था हमने इम्पोर्ट कर लेना है। ये देखिए म्यूजिक था, इसको हमने पीछे कर देना है। तो ये देखिए ये मेरा पीछे म्यूजिक भी लग चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे कर देना वॉइस ओवर, ऐड कर देना, अपने वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे करना है, आपने वॉइस ओवर वहाँ से वेबसाइट से आपका जितना भी डाटा हो अपने कंटेंट को अपने वॉइस ओवर कर लेना है, अच्छे से अपने वॉइस ओवर यूज़ कर लेना है। उसको आपने यहाँ पे एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद आपने ये देखिए नीचे हमारे कुछ रह गए, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये लाइन है, यहाँ पे हमारा कुछ लिखने वाला रह गया। तो यहाँ पे हम कुछ भी, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, ऊपर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे टाइटल है, जब हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए वो हमें यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखो, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक लिख लेना, जो भी हमारा टॉपिक है जिस पे हमारी ये वीडियो है, ताकि वो यहाँ पे लिखी हुई आए वो लोग उनको देखें। ये देखिए यहाँ से हमने अपना डाटा लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो इसका टॉपिक है, एशिया कप मौजूदा बॉलिंग लाइन को देख कर वसीम अकरम की याद आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो एशिया कप हम लिख देते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं ज्यादा से काम में। ठीक है, यहाँ पे अपने लिख देना है एशिया। तो ये देखिए ये मैंने कुछ एडिट कर दिया इसको। यहाँ से हम इसका साइज है थोड़ा छोटा कर लेंगे, ताकि जितना हमें चाहिए उतने पे ही लिखा हुआ आए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसका हम कलर है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये देखें जैसा हम चाहिए इसको वैसा यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, ये देखिए इसको ब्लैक कर दिया मैंने, इसका साइज और छोटा कर देती हूँ। तो ये देखें इसको यहाँ से पकड़ के बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं, जहाँ तक हमारी वीडियो है। तो ये देखिए यह हमने कुछ ऐसे वीडियो चल गए, इसको आपको पूरी चला के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए नीचे हमारी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, हमारा वॉइस ओवर चल रहा होगा, और ये देखिए सारा हमारे एशिया कप बेस्ट बॉलर्स है, और ये हमारे ऐसे वीडियो चल रही होगी। इस पर ब्लर इसलिए इसका हमारा कॉपीराइट नहीं आएगा, ये ऊपर से कोई मतलब नहीं होता। आपको वॉइस ओवर अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आपके वीडियो देखें और उस पर व्यूज़ आए। तो ये सब चीज़ आप अपने मोबाइल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।